हेलो माय डियर सुजल कुमार सेन। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन आप देख के समझ सकते हो और आप किस वजह से इस वीडियो पे आए हो, इस वीडियो को देख रही हो। वो क्या है, SFD एंड BMD, BMD इन हिंदी। आज मैं आपको समझाऊंगा, मैंने बहुत सारे कपल ऑफ वीडियोज मैंने अपलोड करा यूट्यूब में और उसमें मेरे को काफ़ी अच्छा फीडबैक मिले। मेरे कुछ स्टूडेंट्स बोले कि सर आपका सारा वीडियोस इंग्लिश में है, SFD एंड BMD का, सो प्लीज़ आप हमें वीडियोस अपलोड करो और समझाओ हिंदी में शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का। तो मैंने सोचा क्यों ना एक टिपिकल सा क्वेश्चन लेता हूँ। तो मेरे स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन दिया, कहाँ से दिया मुझे पता नहीं है, एक क्वेश्चन दिया, होपफुली किसी बुक से दिया होगा, तो चलिए, या फिर अपने से दिया होगा मुझे पता नहीं, वो डजेंट मैटर। मैं आपको समझाऊंगा ये क्या, आप देख के समझ सकते हो। दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। ऑलराइट, सो दिस इज सिंपली सपोर्टेड बीम एंड ये सिंपली सपोर्टेड बीम में मैं शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। बस आपको सिर्फ मेरे साथ काम करना है और स्टे ट्यून रहना है ताकि आपको सब चीज समझ में आ जाए और आप इजीली समझ पाओ। सो लेट मी यूज कैलकुलेटर ऑल्सो, बिकॉज इसमें दो कंसेप्ट यूज करूंगा मैं, जो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। जस्ट सेकेंड, या बहुत अच्छा कंसेप्ट है और आपको पूरा समझ में आएगा। ओके, सो स्टे ट्यून एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, नो प्रॉब्लम। सो देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक UDL है। UDL मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सो ये UDL लोड है। चलो मैं ब्लैक पेन भी यूज करता हूँ। तो यहां पर मैं अगर इसको ए देता हूं और इसको बी देता हूं, तो रिएक्शन फोर्स आर ए प्लस आर बी हो जाएगा। दिस वन रिएक्शन फोर्स एंड दिस वन ऑल्सो रिएक्शन फोर्स। ए दिया इसलिए ए नाम लिया, बी दिया इसलिए बी नाम दिया। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू, यहां पर कोई लोड नहीं है, यहां पर भी कोई लोड नहीं है, सिर्फ एक जगह लोड लग रहा है, वो भी किस तरह का लोड है, यूडीएल है। सो 4 kN/m, राइट डाउन 4 kN/m इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है, 1.5 मीटर। मीटर मीटर कैंसिल, सो व्हाट इज रिमेनिंग, 6 kN। गेट इट? सो 6 kN क्या है मेरे पास बचा, मतलब क्या है टोटल रिएक्शन फोर्स, टोटल फोर्स जो लग रहा है इसके ऊपर वो क्या है, 6 kN है। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, हम नेक्स्ट बात करेंगे कि इसमें जो 6 kN लग रहा है इसमें आर ए कितना है एंड आर बी कितना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट लेट ए इज फिक्स्ड, ए को मैंने फिक्स कर दिया। लेट ए इज, जस्ट सेकेंड लेट मी शो यू प्रोफुली, यस ए इज फिक्स्ड। अगर मैंने ए को फिक्स कर दिया, ए को फिक्स कर दिया, तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट बी, मैं बी के अबाउट मूवमेंट लूंगा, तो क्या हो जाएगा, आर बी इन टू टोटल डिस्टेंस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 2 इज 5 इज इक्वल टू, यहां पर कोई लोड नहीं है तो क्या करेंगे, ये देखिए 4 × 1.5 टोटल लोड, और डिस्टेंस कितना लेंगे, देखिए ये तो पूरा लेना पड़ेगा कि ये फिक्स है हमारा, हमने कंसिडर क्या करा, ए इज फिक्स, तो ये तो पूरा लेना पड़ेगा 1.5। और इन केस ऑफ यूडीएल, यूडीएल केस में क्या करेंगे, जितने डिस्टेंस के ऊपर, जस्ट कॉपी माई वर्ड्स, जितने डिस्टेंस के ऊपर लोड है उतने डिस्टेंस का आधे में लेंगे। जैसे 1.5 है तो 1.5/2। अगर आपको समझ में नहीं आया पूरा पूरा, फिर से दोबारा वीडियो देखना, आपको समझ में पूरा आएगा। ओके, बिकॉज दिस मेथड इज प्रूवन एंड मैंने इस मेथड से कम 200 स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है फिजिकली, मतलब जो मेरे से क्लासरूम कोचिंग लेते हैं और आप लोग देख रहे हो, और इस तरह का जो ऑनलाइन मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया हुआ है इस कंसेप्ट से। तो होपफुली आपको भी समझ में आएगा, और दिस इज माई फर्स्ट वीडियो, मेरा फर्स्ट वीडियो है हिंदी में, तो होपफुली दिस इन 2016 कम से कम 10,000 मोर स्टूडेंट्स को मैं इस कंसेप्ट से उनका न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, SFD BMD और एज वेल एज अदर टॉपिक्स ऑल्सो, इन दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो गेट के लिए। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड यू विल गेट लॉट ऑफ स्टफ टू लर्न। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट आर बी फ्रॉम हियर। ओके, सो दिस इज 6 एंड दिस इज 2.25। ओके, सो मल्टीप्लाई, आई विल यूज कैलकुलेटर, 6 × 2.25 इज इक्वल टू, सॉरी 6 × 2.25 इज इक्वल टू 13.5। 13.5, सो दिस इज किलो न्यूटन, दिस इज मीटर, सो द यूनिट विल बी किलो न्यूटन मीटर। नाउ आई विल डिवाइड दिस, दाउ आई हैव टू डिवाइड 5 मीटर, सो आई डिवाइड डिवाइड इज 5 मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, सो रिमेनिंग डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 2.7, सो रिमेनिंग 2.7 व्हाट, 2.7 किलो न्यूटन। दिस इज रिएक्शन फोर्स आर बी, सो आर ए इज इक्वल टू व्हाट,
आर इज इक्वल टू 6 माइनस 2.7, 6 माइनस 2.7, सो दैट वुड बी 3.3 किलो न्यूटन. गॉट इट? ओके, नाउ लेट्स कम बैक हियर. आई विल ड्रॉ अनदर टू लाइन्स हियर एंड हियर, बिकॉज इस दोनों लाइन के बीच में क्या लग रहा है, मेरा यूटीएल लग रहा है. फिर से बता रहा हूँ, आराम से सुनना है और इसको मेरे साथ करना है, तो आपकी पूरा समझ में आ जाएगा. देखिए अब क्या करूंगा मैं, सीधा कंसेप्ट यूज करूंगा. मैंने क्या करना है, इस साइड मैंने फ्री कर रखा है, तो देखिए आर वी इक्वल टू कितना मेरे पास है, 2.7 है. डायरेक्ट 2.7 ले लिया. यहाँ पर कोई लोड लग रहा है? नहीं लोड लग रहा है. जब कोई लोड नहीं लगे तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट लाइन खींचेंगे. यहाँ पर लोड लग रहा है बट ग्रेजुअली है, मतलब क्या है, यूडीएल कंडीशन है, यूडीएल कंडीशन. तो हम क्या करेंगे, ग्रेजुअली मतलब क्या है, यहाँ पर एक लीनियर लाइन खींचेंगे. तो कितना है टोटल, 6 है. तो यहाँ पर भी कितना है, 2.7 किलो न्यूटन. दिस इज ऑल्सो 2.7 किलो न्यूटन. नाउ लेट मी यूज, मेरे को यूज करना, तो ब्लैक पेन यूज करूंगा मैं. अब 2.7 टोटल 6, तो कितना बच जाएगा, 3.3 किलो न्यूटन. लेट मी शो यू, 6 माइनस 2.3.3. ओके, और यहाँ पर भी कोई लोड नहीं है, तो सीधा सीधा इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट लाइन खींचेंगे. होपफुली इस लाइन के बारे में आपने पहले ही करा होगा, मतलब यूज करा होगा जब आप 11th क्लास में पढ़ते हैं हम लोग लाइंस के बारे में. ठीक है, अब यहाँ पर भी 3.3 किलो न्यूटन. अगर मैंने गलत कहीं करा होगा तो यहाँ जीरो नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में है, सॉरी ये पॉजिटिव में है और ये पॉजिटिव में है. माइनस 3.3 आर ए और आर में कितना है मेरे पास, 3.3. दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. दैट मींस इसका मतलब क्या है, मैंने कैलकुलेशन सही कर रखा है. ये मेरा क्या था, SFD शेयर फोर्स डायग्राम था. तो चलिए BMD के बारे में बात करते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में बात करते हैं. दिस इज BMD. BMD में कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए इस यहां से लेके यहां तक मुझे बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है. यहां पर एक इसमें पॉजिटिव मतलब सीसी बाद ऊपर तरफ होगा, और एक क्या है, इसका मुझे एरिया निकालना है. इस जो मैंने अभी हैच कर रहा हूं, इसका एरिया निकालना है. इसका एरिया कितना हो जाएगा, देखिए ये लेंथ है इसका, ऊपर तरफ है मतलब इसका हाइट हो गया, और ये हो गया आपका इसका डिस्टेंस, टोटल कितना है, 2 है. सो क्या हो जाएगा, 2.7 इंटू 2 कितना आ गया, 5.4. अब रिमेंबर कंसेप्ट, यहां पर एक कंसेप्ट यूज करेंगे. क्या, अगर कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है SFD, तो BMD में क्या होगा, लीनियर होगा. तो यहां से यहां तक सपोज दैट दिस इज 5.4 यूनिट वुड बी किलो न्यूटन मीटर. यूनिट में मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना, यूनिट लेके चलना है. विदाउट यूनिट बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होते हैं एग्जामिनेशन में. अब देखिए यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज करूंगा, पहले हैच करता हूं इसको सही से, हैच कर दिया मैंने. अब देखिए मेरे को फाइंड आउट करना है इस ट्राइंगल का एरिया कितना है. हमें पता है ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट. हमें हाइट पता है, हाइट कितना है, 2.7. हमें बेस नहीं पता है, वी हैव टू फाइंड आउट बेस. हम पुराने मतलब जो छोटे क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास का कंसेप्ट हम यूज करेंगे यहां पर, उसका बेस को निकालने के लिए. सपोज दैट बेस इज एक्स, एक्स इक्वल टू कितना है, और इस साइड का बेस भी निकालना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए. ये मान लो वाई है, अगर एक साइड में निकाल लेता हूं, दूसरा साइड मुझे पता लग जाएगा कैसे निकालना है. तो देखिए ये ऊपर तरफ कितना है, 2.7 है. अगर मैं यहाँ पर जीरो मतलब क्या, यहाँ पर 2.7 लोड लगाया तभी ये जीरो आया. मतलब क्या है, कितना डिस्टेंस में 2.7 लोड लग रहा है, बिकॉज ये ग्रेजुअली यूडीएल है तो मुझे पता नहीं कितना डिस्टेंस में लग रहा है. लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या दिया हुआ है, एक मीटर में 4 किलो न्यूटन लग रहा है. दैट मीन्स 2.7 किलो न्यूटन कितना मीटर में लगेगा, एक मीटर से कम होगा. तो चलिए इसको थोड़ा उल्टा करता हूं मैं, जो 10th या 9th क्लास में हम इसको पढ़ते हैं. 1 किलो न्यूटन लोड लग रहा है कितना, 1.4 मीटर में. तो 2.7 किलो न्यूटन लोड कितने में लगेगा, 1.4 इंटू 2.7. सो कितना आया, देखिए 2.7 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया, 0.675 मीटर. तो मेरे पास बेस कितना आ गया, देखिए बेस है 0.675, हाइट है 2.7 एंड बाय 2. सो कितना आ गया बेस, देखिए 0.675 इंटू हाइट कितना है, 2.7. ओके, नाउ बाय डिवाइड बाय 2, सो दिस इज पॉइंट. ओके लेट मी डू कैलकुलेशन अगेन. बी इज व्हाट, बी कितना दिया हुआ है, बी है हमारे पास बेस कितना है, 0.675 इंटू 2.7 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 0.911. नाउ सी हियर, हमने क्या करा यहाँ पर, ये निकल गया हमारा x निकल गया. x के बाद हमने क्या करा, x निकलने के बाद हमने इसका एरिया निकाला, इस जो ट्रायंगल था इसका एरिया हमने निकाल लिया. उसके बाद हमने क्या करा, इसका जोड़ दिया,
तो यहां पर आ गया हमारा। अब क्या है हमारा, देखिए इसका ये जो एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स इक्वल टू है 0.675 मीटर। तो ये जो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 1.5, बिकॉज टोटल डिस्टेंस कितना है 1.5 है, 1.5 माइनस 0.675, हाउ मच, दिस मच। सो ये बेस कितना आ गया, इतना, हाइट कितना है इन टू, इसका एरिया निकालूंगा इतना आ गया बाय 2, बिकॉज हाफ बेस इन टू हाइट, तो कितना आ गया इसका, इसका एरिया आ गया 1.3625 मीटर स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा यहां पर, देखिए इसको हटाता हूं पहले मैं, तो देखिए 3.3.6.3 1125, सो 6.3 1125 माइनस आंसर इज इक्वल टू 4.4.95। ओके, सो ये यूनिट, अगेन यूनिट लिखना है हमें किलो न्यूटन मीटर। नाउ हमें फिर से इसका एरिया निकालना पड़ेगा जो हैचिंग कर दिया मैंने अभी। अब क्या है इसका, एक यहाँ ऊपर क्या है, 3.3 है, 3.3 है, 3.3 मतलब 3.3 आ गया इसका हाइट, बेस कितना है 1.5, 4.5। सो अगर अगेन क्या, देखिए एक कांस्टेंट है तो क्या होगा, लीनियर होगा। देखिए 4.5 माइनस 4.5, बिकॉज ये पॉजिटिव है ये माइनस में है, तो 4.5 माइनस 4.5 इक्वल टू कितना आ गया, 0 पे आ गया। सो नाउ क्या करना है मुझे, हैचिंग करना है, मुझे हैचिंग करना है, बहुत अच्छा लगता है जब क्वेश्चन पूरा पूरा सॉल्व हो जाता है। सो दिस इज आपके दिखाया मैंने कैसे आप सॉल्व कर सकते हो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है ना। तो चलिए मेरे हिसाब से आपने अच्छी तरह से सीख लिया इसको, और इफ़ यू आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, कहीं प्रॉब्लम है, तो डोंट फॉरगेट टू आस्क मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड होप टू सी अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।